स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी राजधानी भोपाल के कार्डियो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड टीका एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केयर इंडिया द्वारा 28 वाहनों को विभिन्न जिलों में वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया है। वहीं टीका एक्सप्रेस के जरिए दूर दराज के गाँव में पहुंचकर लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। ये केयर इंडिया द्वारा 28 वैन वैक्सीन जो लगाने के लिए विभिन्न जिलों में, जैसे बालाघाट है, पन्ना है, अनूपपुर है, अलीराजपुर है, शिवपुर है, ग्वालियर है, और ये वैन जाएंगी वहाँ तक। जिन लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक वैन खुद वहाँ जाएगी और लोगों को वैक्सीनेट करेगी। जो बड़े स्टेट हैं देश के, उनमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, उसमें मध्य प्रदेश नंबर वन पे आया है, और हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी वैक्सीनेशन में हम लोग नंबर। अभी तक 28% सेकेंड डोज के हम लोग ने लगाया है, और जैसे ही लोग एलिजिबल हो रहे हैं उसका एक कैलेंडर भी हम लोग जारी कर रहे हैं कि कौन कब को सेकेंड डोज लगना चाहिए। और ये केयर इंडिया ने जो बैन भेजी है, ये भी वहाँ पर जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया वहाँ पर जा जाकर